हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के, जिसके आज रात के एपिसोड में क्या बताया जाएगा आपको बताते हैं। एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिंसिपल के साथ, जो कि खुरानास को इन्फॉर्म करेगा कि रुद्राक्ष ने उनका स्कूल ज्वाइन कर लिया है एज अ म्यूजिक टीचर, और सभी लोग शॉक हो जाएंगे रुद्र को देखकर। तभी रुद्राक्ष को ये सरप्राइज प्लान करने के लिए प्रिंसिपल कहता है वेल डन, और तभी वो सब रुद्राक्ष को ऐसे देखते हैं कि जैसे रुद्राक्ष ने न जाने क्या कर दिया हो। तभी रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, मैं तुम तीनों को मेरे बिना टाइम स्पेंड कैसे करने देता, इसीलिए मेरे पास भी आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी ये स्कूल ज्वाइन कर लूँ। यहाँ पर रूही उससे कहती है कि मुझे पता था कि आप हमारे बिना नहीं रह सकते। सारांश कहता है कि चलो अब तो स्कूल में बहुत मज़ा आएगा। प्रशा भी उन्हें ध्यान दिलाती है कि स्कूल है तो इसलिए तुम्हें डिसिप्लिन से रहना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो युवराज है वो अपने आप से कहता हुआ नज़र आएगा कि मेरे पास पेट्रोल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, मुझे सिर्फ अपनी कार में ही सोना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खाने का बंदोबस्त कैसे करूँगा। तभी वो नोटिस करता है कि एक मंदिर है और वो वहाँ पर प्रसाद लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस है और इसीलिए वो पुलिस के डर से ले भी नहीं पाता खाना, और वो खुरानास को बददुआ देने लगता है। इधर कैफेटेरिया में दिखाया जाएगा कि सारांश रूही के साथ बैठा होता है और साथ में आलिया के साथ भी बैठा होता है। इनडायरेक्टली रूही उससे झूठ बोलती और कहती है कि मुझे नहीं बैठना। आलिया उसका रिएक्शन देखती है, तभी वो कन्फ्यूज हो जाती है कि क्या चाहती है ये। तभी आलिया से कहती है यहाँ पर रूही कि ये तुम्हारे साथ बैठना चाहता है और इसलिए तुम यहाँ बैठो। और ये सब देखकर कि आलिया कंफ्यूज हो जाती है कि रूही तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी वो उसके पास ना बैठने के लिए कह रही है। यहाँ पर रुद्राक्ष प्रशा को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उन्होंने पहली बार लड़ाई की थी ऐसा कपल, और वो रिकॉल करते हैं कि कैसे वो रेस्टोरेंट लेट पहुँचा था क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग थी। तभी वो उसे डांटती है लेट आने के लिए और उसके शर्ट पर लिपस्टिक का मार्क भी होता है। तभी वो कहता है कि हाँ, कुछ फैंस थे जो मेरे साथ डांस कर रहे थे, और वो वहाँ से जाने लगती है गुस्से में। तभी फ्लैशबैक से मोमेंट वापस आता है और यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कन्विंस नहीं कर पाया था उस दिन, लेकिन हाँ, अब मैं यहाँ पर इस जगह एक नई मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूँ। वेटर या रुद्राक्ष को खाना सर्व करता है और प्रशा के साथ में वो खाना शुरू करता है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें इन 5 सालों में बहुत मिस किया, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रूही भी उनके साथ आ जाती है। तभी वो प्लान करते हैं एक सरप्राइज और कहते हैं कि हम हमेशा से ऐसे ही खुश रहेंगे और यहाँ से हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तभी वो रेवती के साथ में टकरा जाते हैं और तभी रुद्राक्ष रेवती का इंट्रोडक्शन देता है। रुद्राक्ष कहता है कि प्रशा, यहाँ पर रेवती और उनकी पहली मीटिंग हो चुकी है। प्रशा रेवती को साइड में ले जाती है और कहती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ। रेवती इन्फॉर्म करती है कि हाँ, मेरी डॉटर फर्स्ट आई है क्लास में, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। तभी वो वहाँ से चली जाती है। रुद्राक्ष कहता है कि तुम इस रेवती को जानती हो, लेकिन थोड़ी अजीब नहीं है। तभी प्रशा कहती है कि हाँ, थोड़ी अजीब तो है, लेकिन ये एक अच्छी पर्सन है। उधर एक स्टूडेंट बताता है कि देव को आलिया एक लड़के के साथ कैफेटेरिया में बैठी है, जिसे देखकर और सुनकर के देव को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा कैफेटेरिया जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचता है कि उसे उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिससे आलिया बात कर रही थी। मीनवाइल प्रशा प्रिंसिपल से मिलती है और कहती है कि क्या आपने देव को ड्रग केस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेट किया। तभी यहाँ पर कहता है प्रिंसिपल कि तरुण ही है रियल कल्प्रिट, इसीलिए जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था वही सच है। और प्रशा से वो कहता है कि आप ऐसे देव पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है। तभी वो कहता है कि आप ओवरथिंक कर रही हैं इस मैटर में, और वो सोचती है कि शायद ये सही कह रहा है और प्रिंसिपल कहीं ना कहीं देव को बचा रहा है। प्रशा को ऐसा फील होता है। यहाँ पर रूही सारांश से कहती है कि मुझे पता है आप आलिया को पसंद करते हो बड़े भैया, और वह एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, आलिया को देखकर के मैं नर्वस हो जाता हूँ। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। दूसरी तरफ प्रिंसिपल देव से कहते हैं कि प्लीज़ देव, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो या फिर प्रशा से दूर रहो, क्योंकि वो जानती है कि तुम ही हो इस केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, और मुझे ये भी पता है कि प्रशा के केबिन की चाबी तुमने ली थी पियोन से। विकी कहता है देव से कि हाँ, अब हमें प्रशा के खिलाफ कुछ और नहीं करना चाहिए देव, यही हमारे लिए अच्छा होगा, और यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में, और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।